आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं पावर बीआई और पावर बीआई पे हम एक डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरह की डैशबोर्ड बनाएंगे हम बात करते हैं, उससे पहले हम यहाँ गेट डेटा पे जाके एक डेटा को ले लेते हैं। और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, एक्सेल डेटा लेना है हमें, एक्सेल क्लिक किया, कनेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे डैशबोर्ड 3 में डेटा है इसको ले लेता हूँ और इसको लोड करता हूँ। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं समझाता हूँ आपको कि आखिर हमें किस तरह का डैशबोर्ड बनाना है। तो मुझे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड बनाना है जिसमें जो ग्राफिक्स और पिक्चर्स की यूज देख रहे हैं ना, पिक्चर का यूज करना है और यहाँ पे टोटल्स वगैरह हमें देना है। हालांकि सेम नहीं, बट इस तरह का एक विजुलाइजेशन तैयार करना है हमें। हमने इसको गूगल पे देखा था और मैंने सोचा कि इसको किया जाए। तो डेटा क्या है, डेटा को एक बार समझ लीजिए। तो डेटा हमने यहाँ सीट वन को एक बार ऐड करता हूँ और यहाँ पे लोड करता हूँ। तो डेटा पे जाते हैं, यहाँ डेटा और डेटा में मेरा डेट है कि किस डेट को किस पर्सन ने किस कोर्स के लिए डेमो ज्वाइन किया था, कितने लोगों ने डेमो ज्वाइन किया और कितने ने ज्वाइन कर लिया और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब इसमें एक चीज और देखना है, यहाँ पे मुझे एक कैलकुलेट करना है कि आखिर फेल कितना हुआ। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 ने डेमो लिया बट 5 ज्वाइन किया, तो एक ऐसा पर्सन ज्वाइन किया जिसने डेमो ज्वाइन ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ 4 में से 2 लोगों ने ज्वाइन किया, 2 लोगों ने बोला कि मुझे इस तरह से नहीं करना है ऑनलाइन। तो ए हमारा कोर्स का ए है। तो यहाँ पे हम आते हैं न्यू कॉलम पे जाते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करके सबसे पहले फेल का मुझे निकालना है कि कितने फेल हुए, तो कितने लोगों ने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया। तो क्या होगा, ये होगा हमारा डेमो माइनस ज्वाइन। लेकिन कहीं कहीं पे ज्वाइन ज्यादा है तो फिर माइनस भी चला जाएगा। तो जहां पे अगर ज्वाइन ज्यादा है डेमो से वहां पे फेल 0 होगा। तो इसके लिए हम यहां पे इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ, और इसमें देंगे कि डेमो माइनस ज्वाइन इज ग्रेटर देन 0 देन डेमो माइनस ज्वाइन, अदरवाइज यहां पे 0 शो। पंडित जी देखे आपने मेरा फोन इफ्टन लगाया, सिंपल सा एंटर मारता हूं कैलकुलेट। अब मुझे यहाँ पे कोर्स वाइज टोटल चाहिए कि MIS के कितने हैं। अब सारे कोर्स नहीं चाहिए, अब सारे कोर्स लगा सकते, लेकिन मैं 4 करना चाहता हूँ। MIS एक्सेल पावर BI और VBA 4 कोर्स करना चाहते हैं। 4 कोर्स का यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ 1 by 1, और मैं कुछ इस तरह से दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पिक्चर के साथ। तो कैसे करें, चलिए तो हम ज्वाइन दिखाना है। तो हम यहाँ मॉडलिंग पे आते हैं क्योंकि मुझे ओवरऑल चाहिए। तो यहाँ पे मैं न्यू मेजर्स पे क्लिक करता हूँ, कैलकुलेट, और यहाँ पे लिखाता हूँ टोटल ज्वाइन, और यहाँ पे सिंपल मैं सम का फॉर्मा लगा के और सीट में ज्वाइन को सम कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा कार्ड, कार्ड पे क्लिक किया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होगी सर कि अगर मैंने यहाँ पे अगर टोटल ज्वाइन यहाँ पे दे दिया तो ओवरऑल आ गया ना, क्या यहाँ पे हमारा ए ओवरऑल ज्वाइन है। लेकिन मुझे तो सी एक VBA की ज्वाइन चाहिए ना, तो मुझे सम इफ टाइप का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। आपको याद हो फिल्टर का फॉर्मूला याद है सर आपको? बिल्कुल, जो आपने उसमें काउंट इफ वाले में कराया था, तो यहाँ काउंट वाले में काउंट एक्स था वो,
तो यही अकाउंट ही मैं, है। हाँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सेल लिखता हूँ, एक्सेल, और यहाँ पे लगाता हूँ फिल्टर, यहाँ पे सम एक्स, सम एक्स, सम एक्स में मैं फिल्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा, और फिल्टर फॉर्मूले में डेटा में हम सीट को सिलेक्ट करेंगे और एक्सप्रेशन कि किसके अकॉर्डिंग फिल्टर करना है, तो हम यहाँ पे दे देंगे नेम, नेम कोर्स, कोर्स इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में, इसमें सम किसका करना है, तो सम करना है हमें इसमें ज्वाइन का। एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं अगर यहां कार्ड लेता हूं और इस कार्ड के ऊपर मैं एक्सेल को डालता हूं, तो यहां पे आगे मुझे एक्सेल का पिक्चर भी लगाना है, तो इसके लिए मुझे पिक्चर को सेव करना पड़ेगा, गूगल से ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक्सेल का लोगो ले देता हूँ, कि लोगो, तो आप भी अपने प्रोडक्ट का लोगो वगैरह या फिर डिजाइन करना चाहो तो डिजाइन भी कर सकते हो, बट मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो कहाँ से इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आपको यहाँ इमेज दिखेगा, इमेज पे क्लिक किया हमने और यहाँ पिक्चर पे आए और हमारा जो एक्सेल का लोगो है उसको उठा लेता हूँ ना, हाँ इसको उठा देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, छोटा मतलब कि इसके साइज का, सब ऊपर होगा और थोड़ा सा बड़ा, ठीक है सर, दोनों मैच कर रहा है। अब इन दोनों को कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको ग्रुप कर दीजिए, ग्रुप 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 कर देंगे तो एक हो जाएगा, तो इसको मूव करने में आसानी होगी आराम से, ठीक है। फिर दूसरा सेम फॉर्मूला हम जाते हैं मॉडलिंग में, यहाँ पे न्यू मेजर्स और यहाँ पे हम कर देते हैं VVA और यहाँ पे सेम सम एक्स फिल्टर सीट कोर्स इक्वल टू VVA कॉमा ज्वाइन और एंटर कर दिया। यहां पे कार्ड लिया, कार्ड लेने के बाद हमने इसके ऊपर VVA को लिख दिया, रख दिया, इसकी साइज को थोड़ा सा अरेंज किया। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन और है। क्या हाँ एक कार्ड के अंदर हम दो वैल्यूज दिखा सकते हैं, जस्ट लाइक चलिए, कि आपको मेरे यहाँ को फॉर मल्टीपल एग्जांपल कार्ड, ये यहाँ इसमें। पे मल्टी रो कार्ड लेना पड़ेगा, अच्छा ओके, एक मल्टी रो गॉट कार्ड भी इट। होता है उसको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इसकी ओवरऑल पे परसेंटेज दिखाना चाहता हूँ कि एक्सेल में कितना ज्वाइन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 200 तो 2000 स्टूडेंट ज्वाइन किए, उसमें एक्सेल की क्या परसेंटेज थी। मैं दिखाऊंगा, मैं बना रहा हूँ उसको, एक बार देखते जाइए, फिर आपके सारे डाउट्स को हम। ओके अब यहाँ पे VVA देखिए, ओके तो VVA में थोड़ा सा दिक्कत है ये कि ये सही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ इसको, एडिट, इसको एडिट कर देंगे तो ठीक रहेगा ना। पेंट में ले आके एडिट भी कर सकते हैं। अब आप पेंट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में आपके पास फोटोशॉप वगैरह तो होगी नहीं, ऑफिस में फोटोशॉप होगी सर, आपको नहीं। इसकी के जरिए करना सीखना, पेंट तो जनरली होता ही है, पेंट पे कोई फाउंडेशन नहीं है। हिसाब से छोटा करते हैं और यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर दोनों को सेलेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल के साथ और इसको ग्रुप कर देते हैं।
अब दूसरा आता है हमारा, वो आता है MIS का, MIS का। तो सेम पहले हम जाते हैं मॉडलिंग में न्यू मेजर्स, और यहां पे हम MIS लेते हैं, और MIS में मैं यहां पे सम एक्स और यहां पे फिल्टर, फिल्टर में सीट कॉमा, फिल कौन सा है तो फिल है कोर्स। कॉपी भी कर सकते हैं लेकिन बार बार इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको बार बार दिखिए तो वो समझ में आ जाएगा ताकि हो क्या रहा है। वो हमें उसके बाद यहां से हम कार्ड लेते हैं, कार्ड पे यहां हम लिया छोटा सा हटा देता हूं, हमने यहां पे MIS को लिया। अब बात यह है कि क्या हर चीज का यहाँ पे जैसे कि MIS लिखा हुआ तो है लेकिन क्या हर चीज का लोगो तो होना होगा, इसकी गारंटी तो नहीं ना है सर कि हर चीज का लोगो होगा ही क्या? तो आप खुद से बना भी सकते हैं। कैसे? आप जो है एक इसके लिए मैं काम एक तरीका बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया, इसके लिए एक्सेल खोला या वर्ड भी खोल लीजिए, पावर पॉइंट खोल लीजिए जो आपके पास अवेलेबल है, उस पे जाइए। दोनों का एक ही है, यहां इंसर्ट में आपके सामने यह आएगा आपका टेक्स्ट, यहां पे वाटर वर्ड आर्ट। हम लोग जब शुरुआत में कंप्यूटर सीखेंगे तो इसका खूब यूज करते थे। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहां पे MIS का, फिर इसको हमने सेलेक्ट करके यहां से एक अच्छा सा फॉर्मेट ले लेता हूँ, रेड इसमें इसकी कलर को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेंट खोलता हूँ, पेंट पे हमने इसको डाल दिया और फिर पेंट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आइकन के टाइप। हेलो जी सर, आ रहा है ना? हाँ जी। और इसको फिर मैं JPEG में MIS करके सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सर इसमें पावर बी आई में आता हूँ और यहाँ से हम पिक्चर लेते हैं, इंसर्ट में जाकर इंसर्ट, और हमने यहाँ से इमेज पे क्लिक किया और MIS को हमने इसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ और थोड़ा करते जाता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा आर्टिस्टिक थोड़ा सा कम होता है इसमें, थोड़ा सा इसको भी फॉर्मेटिंग वगैरह है जिसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कंट्रोल से इसको सेलेक्ट किया यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बीच में पहुंच गया यहाँ, इसको क्लिक किया कंट्रोल से दोनों को, राइट क्लिक किया एंड ग्रुप कर दिया, थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ। अगला
आप पावर बी आई के लिए करना चाहते हैं। डेटा में एक बार देखता हूँ, डेटा में पावर बी आई के लिए करा रखा है, मैंने बी आई कर रखा है। तो मैं यहाँ वापस मॉडलिंग में मेजर्स पे आता हूँ और मैं यहाँ एक बार और सम का फॉर्मूला लगाता हूँ। अब का फॉर्मूला देखते देखते आप बोर मत होइए कि भाई बोर हो गया हूँ, सम का फॉर्मूला देखते देखते मेजर्स पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पावर पूरा लिख देता हूँ कि पूरा लिखने पे नीचे वहाँ जो दिख रहा है ना MIS आता है, इसलिए मैं यहाँ पूरा लिखता हूँ सेम फॉर्मेट में। और यहाँ पे सम एक्स, यहाँ पे फिल्टर, यहाँ पे सीट हमने दिया और कोर्स को दिया और और इसको क्लोज किया कॉमा, हमने यहाँ पे इसके बाद और यहाँ से कार्ड लेते हैं। कार्ड में मैं डालता हूँ बी आई को, पावर बी आई को, पावर बी आई इसके ऊपर ड्रॉप करना है आगे 191 और थोड़ा सा इसको छोटा, थोड़ा सा बड़ा। अब इसकी जो पावर बी आई की इमेज है, मैं यहां से पावर बी आई लोगो लेता हूं। इमेज हैंडलिंग कैसे, आज का जो मेन पर्पस है कि इमेज हैंडलिंग हम कैसे कर रहे हैं इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना सर। इसी को कॉपी, इसी को मैं राइट क्लिक, इसी को मैं लेता हूँ राइट क्लिक करके, इसको राइट क्लिक करके सेव एज और यहाँ पे बी आई नाम देता हूँ इसका। फिर मैं अपने यहाँ पे इंसर्ट में इमेज और यहाँ हमने गए था और यहाँ हमने पावर बी आई को ले लिया। इन दोनों को अब देखिए, इसको अरेंज अपने हिसाब से कर लीजिएगा क्योंकि मैं जब अरेंज करूंगा तो टाइम किल करेगा। जैसे कि हमारे इमेज में चार अलग अलग थे, हमने यहाँ पे चार यहाँ पे भी ले लिए, बट इसकी बैकग्राउंड में दिक्कत हो गया तो इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड ऑन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है उसके जगह पे हम यहाँ पे आप कलर यहां से बॉर्डर ले लीजिए, यहां से बैकग्राउंड कलर को व्हाइट की जगह पे ब्लू, इसको भी। तो वो जो डैशबोर्ड दिख रहा है वो ये इससे अलग बना हुआ है, वो इससे नहीं बना हुआ है। इसको सेलेक्ट किया यहां पे बैकग्राउंड और यहाँ पे कलर ब्लू और इसको एक सीन में मैं रख देता हूँ, ठीक है। नहीं सही है, हो गया। अब उसके बाद मुझे मंथ वाइज, यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स, मंथ वाइज में मैंने क्या किया, मैंने यहां से डेट को लिया डेट ले लिया और इस डेट में मैंने ज्वाइन
और फेल। इसको हमने इस फॉर्मेट में सिलेक्ट किया, और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, यहाँ इसको रखूंगा। सही, इसको और बड़ा करता हूँ। और इसमें मंथ वाइज चाहिए तो यहाँ ड्रिप डाउन है, तो एक क्वार्टरली आ गया, एक बार क्लिक कीजिए ड्रिप डाउन में तो ये आपका मंथली आ गया। ठीक है सर, मंथली आ गया, तो छोटा कर लीजिए। हाँ सही नहीं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है सक्सेस और इसका, तो मतलब कि मुझे फेल और टोटल पास का, टोटल ज्वाइन एंड टोटल फेल का ये दिखाना है, चार्ट दिखाना है। तो हमने ये ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल ज्वाइन हम यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ पे टोटल फेल नहीं है, क्योंकि तो फेल यहाँ पे देंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा यहाँ पे। हाँ फेल आ गया, कोई बात नहीं, समझ आ गया। टोटल ज्वाइन मेजर्स क्रिएट करना जरूरी नहीं है। थोड़ा तो सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, परसेंटेज आ गया टोटल ज्वाइन एंड टोटल फेल का सब। ओके सर, जी सर, अब इसमें मुझे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब इसमें मुझे चाहिए कि कितने ने ज्वाइन किया और कितना फेल किया। तो यहाँ पे हम एक कार्ड लेते हैं। अब इस कार्ड पे मल्टी कार्ड, अभी आप जैसे आप बोल रहे थे, एक बार मल्टी कार्ड लेके देखता हूँ। मल्टी कार्ड में मैंने टोटल ज्वाइन को डाला और हमने डाला टोटल फेल को। यहाँ पे फेल नहीं, टोटल ज्वाइन है, ज्वाइन चला गया, फेल चला अब गया। लेकिन सही तरीके से नहीं आया ना सर, इसलिए हम यहाँ से इसको लेते हैं, वन बाय वन ही करते हैं। तो यहाँ पे हमने ज्वाइन दिया और थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको छोटा करते हैं। और उसके बाद एक और कार्ड हम लेते हैं यहाँ से, और इस पे देते हैं हम फेल। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके बी इसको सेंट्रल में करता हूँ थोड़ा सा। इनके बीच में एक सेपरेटर मैं देता हूँ, एक हाथ है। यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सेप्स है, सेप्स में लाइन है, हमने लाइन को लिया और यहाँ पे डाल दिया। छोटा कीजिएगा तो लाइन छोटा हो जाएगा, जितना चाहिए उतने। ठीक है, अब मुझे एक लाइन ऐसे भी चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अगर मैं लाइन देता हूँ तो ये इसी तरह से आता है, इसका एंगल चेंज नहीं होता। अगर मैं फॉर्मेट में जाऊँ तो मुझे इसका एंगल चेंज करने का कोई ऐसा नहीं दिख रहा जिससे मैं एंगल चेंज करूँ। ठीक है, क्या करें, मुझे तो चाहिए ना सर एक नीचे इस तरह से, कोई एरो निशान भी नहीं चलेगा, टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं चलेगा। तो शेप्स में भी ये रेक्टेंगल जो है, इसी रेक्टेंगल को ले लेता हूँ मैं, और इस रेक्टेंगल को यहाँ ऐसे डालता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे रखता हूँ। लास्ट है, इससे छोटा नहीं होगा। अब इसकी जो फॉर्मेट सैप है, इसकी लाइन पे आते हैं। लाइन पे हम इसको कर देते हैं, नो कलर है इसमें, नहीं नो कलर नहीं है, लाइन को वाइट कर देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है। तो ए इसको सिलेक्ट करके लाइन यहाँ से वाइट, लाइन हट गया। अब इसको जो सिलेक्ट करता हूँ इसके लाइन के बाद फिल, फिल में वाइट के जगह पे मैं ब्लू कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद एक और कार्ड लेता हूँ और इस कार्ड में मैं डालता हूँ टोटल डेमो। समझे सर,
अब इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैं इसकी फॉर्मेट में आता हूँ और इसका बैकग्राउंड जो है इसको ऑफ कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब सही है, तो बन गई रिपोर्ट सर। हेलो, हाँ जी सर। और कुछ करना है इसमें आपको? अच्छा, इसमें अब मुझे फिल्टर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक इसमें भी कई लेवल के होंगे, पेज लेवल होगा, पूरा रिपोर्ट लेवल फिल्टर होगा, और क्या मैं एक पर्टिकुलर, जैसे कि एक मतलब जैसे कि मेरे ये एक सेक्शन कोई भी, जैसे कि अब ये ग्राफ बना है, इस ग्राफ लेवल का मैं फिल्टर कोई अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, अच्छा, इसको आप चाहते हैं कि इसको फिल्टर अप्लाई करना, सिर्फ राइट? इसी को करे बाकी को ना करे। तो उसके लिए हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि आपको इसका तरीका है कि मुझे यहाँ पे न्यू टेबल पे जाना पड़ेगा, और न्यू टेबल पे मैंने यहाँ पे डेटा कर दिया। फिल्टर में हमने यहाँ पे दे दिया C2, और C1 में एक्सप्रेशन में हमने लिख दिया कोर्स, सिर्फ कोर्स। फॉल्स होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ मैं। कोर्स बता देता हूँ, मैं कोर्स में हम यहाँ ज्वाइन पे कर देते हैं। मैं इस रिपोर्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। हटा दिया सर। अब मैं यहाँ पे डेट वाइज, डेटा है ना, हमारा डेटा देना है ना इसमें, हाँ, इसमें डेट वाइज ज्वाइन डाल देता हूं। समझ गया सर? अब मैं इसमें स्लाइसर इंसर्ट करूंगा, और इस स्लाइसर्स में हम जो फिल्टर आपको देना है यहां से डेटा से दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे नेम वाइज फिल्टर चाहिए या कोर्स वाइज चाहिए मान लीजिए, तो यहाँ कोर्स को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। ओ, एक मिनट, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। कोर्स को उठाया और इस कोर्स को हमने इसमें रख दिया, और इसमें सेटिंग भी किया था ना आपने सर, जो सिंगल ड्रॉप डाउन हो गया था। उसके नीचे था, हाँ, ये जो एरो सा है, डाउन एरो है, उसी के जस्ट, इसके जैसे 3 डॉट्स के जस्ट नीचे, आप इसको हटा दीजिए, एस्केप मारिए एक बार, तो जो 3 डॉट्स के जस्ट नीचे इरेज के, हाँ, इसमें लिस्ट, और फिर वो आएगा ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन आ गया। अब यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोर्स, जैसे हुआ ना, इसको राइट क्लिक करके सेंड बैकवर्ड कर दीजिए, सेंड यहाँ से मॉडलिंग, मॉडलिंग नहीं सॉरी, इसमें फॉर्मेट में बैकवर्ड। मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ मान लीजिए एक्सेस, मेरा यही चेंज हुआ ना सर, डेटा हाँ, सिर्फ ये चेंज हुआ है, हमने अलग कर दिया, ये डेटा, हाँ फिल्टर लगा कर दिया। बिल्कुल लग गया, बिल्कुल इसी पे लग गया, सिर्फ मुझे उसके बाद यहाँ पे फर्दर आगे और कहीं चेंज नहीं करना, इसे फिल्टर करके देखना है हाँ ट्रेंड हाँ किस कोर्स में क्या है वो जी देखना है। जी हाँ तो ये थी हमारी डैशबोर्ड, जिसमें हमने पिक्चर्स की इवेंट के बारे में आपको समझाया, और साथ में सम एक्स और फिल्टर फॉर्मूले का क्या यूज है इसके बारे में बताया, और कार्ट का बेसिकली यूज कहाँ होता है ये चीज आपने इस क्लास में सीखा। ठीक है सर, जी सर, प्रैक्टिस कीजिए और कुछ और बनाने की कोशिश कीजिए अपने हिसाब से, और कल हम बात करेंगे। इफ फॉर्मूला भी आज आपने सीखा, तो कल हम लॉजिकल फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय। बाय सर।